हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वात के रोगों को जड़ से ठीक करना है तो आप तेल पर ध्यान रखिए जो कि आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये समस्या आपके शरीर से कभी दूर नहीं होगी। वात और वायु से होने वाले रोग कम से कम 80 रोग हैं। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि हमारा शरीर 3 धातुओं से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सर्दियों के दिनों में 2 धातु ही इसमें ज्यादा हैवी रहते हैं, 1 धातु कम हैवी रहता है। कौन से ऐसे 2 धातु हैं जो ज्यादा हैवी रहते हैं? वो है वात और कफ। यानी कि सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर के ऊपर वात और कफ का प्रभाव ज्यादा रहता है और पित्त का प्रभाव कम रहता है। वात और वायु से कौन से रोग होते हैं? जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसे कार्टिलेज या चिकनाहट कहा जाता है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है, और धीरे धीरे ये गाउट में भी बदल जाती है जिसके कारण आरए पॉजिटिव आने लगता है। ये अर्थराइटिस की समस्या जो है वो ऑटो इम्यून रोग है, यानी कि इसमें हमारा शरीर हमें ही दुख देने लगता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे ही अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस वात और वायु से संबंधित होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे गाउट है, अर्थराइटिस है, रूमेटाइटिड अर्थराइटिस है, इन्हें कैसे बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस ऑटो इम्यून रोग में नहीं खाई जाती, जिसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने तेल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आपने हमेशा ही थिक ऑयल ही खाना है। कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो थिक ही होना चाहिए, यानी गाढ़ा होना चाहिए, और सबसे गाढ़ा तेल होता है सरसों का तेल। लेकिन जो आप मार्केट में से सरसों का तेल लेकर आते हैं वो सही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सुगंध डाली जाती है सरसों के तेल की। सरसों के तेल की पहचान, ओरिजिनल सरसों के तेल की पहचान क्या होती है? अगर आप उसको अपने नाक के पास लेके आएंगे तो उसकी जो गंध है वो आंखों में से पानी और नाक में से पानी निकाल देगी, इतनी तीखी होती है। और वो तेल बहुत गाढ़ा भी होता है जो असली सरसों का तेल होता है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आपने कौन सी चीजें नहीं खानी। तो एनिमल प्रोटीन आपने नहीं लेना। एनिमल प्रोटीन जोड़ों के दर्द को बढ़ाने का काम करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है इसीलिए हम एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, लेकिन क्या आप दूध पीते हैं? तो वो भी एनिमल प्रोटीन में भी आता है, इसीलिए आप दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करना भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा जितनी भी रिफाइंड वाली चीजें होती हैं, चाहे रिफाइंड चीनी हो, रिफाइंड ऑयल हो, रिफाइंड साल्ट हो, बिस्किट हो, इन चीजों का इस्तेमाल भी आपने खाने में नहीं करना। एक चीज और आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी जान लेना। कुछ लोग ये होंगे कि हम तो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, फिर हमें ये अर्थराइटिस की समस्या कैसे हो गई? अगर आपकी आदत बहुत ज्यादा गर्म खाने की है या आप बहुत ज्यादा ठंडा खाते हैं तो आपको ये रोग हो सकता है या हो चुका होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो भी लोग बहुत ज्यादा गर्म खाने के आदि होते हैं, जैसे हल्का सा ठंडा हो गया खाना तो दोबारा गर्म किया फिर उसको खाया, या फिर किसी भी खाने को इतना ज्यादा ठंडा करके खाते हैं, इस कारण से ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए परफेक्ट इलाज कौन सा है ताकि ये जड़ पर काम कर सके, इस वायु और वात को शरीर से बाहर कर सके। आपको एक चीज और बता दूं कि ये वात के जो रोग होते हैं, वायु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, चाहे ये गाउट की समस्या हो, अर्थराइटिस की समस्या हो या रूमेटाइटिड अर्थराइटिस की समस्या हो, ये रात के टाइम ज्यादा हैवी होता है। तो इसीलिए रात के समय तो आपने वात और वायु वाली जितनी भी चीजें आती हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप उन चीजों का सेवन करेंगे जिस टाइम आपकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी वो धातु ज्यादा हैवी हो चुका है, जैसे कि कफ धातु सुबह के टाइम हैवी होता है, मिड यानी कि दिन के मध्य में पित्त धातु ज्यादा हैवी होता है, और रात के टाइम वात धातु वायु से संबंधित रोग ज्यादा हैवी होते हैं, तो उस टाइम उस चीजों का सेवन नहीं किया जाता जो कि उन धातुओं को बढ़ा दे। इसीलिए वात धातु वाली चीजें आपने शाम के टाइम नहीं खानी। अब जानते हैं इलाज कौन सा करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलाज क्या है वो खाने वाला है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपने अपनी बॉडी पर अप्लाई करनी है जहां भी आपको ये दर्द, ये तकलीफ ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि अर्थराइटिस की समस्या यानी जोड़ों में दर्द की समस्या में क्या होता है, हाथों के जोड़ या पैरों के जोड़ों में एक सूजन आ जाती है। हाथ और पैरों के जोड़ बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं,
तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी धूप निकले उस दिन आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसको अपने हाथों और पैरों पर लगाकर धूप सेकनी है। ऐसा करने से आपको धूप का असर डबल मिलेगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत ज्यादा जाएगा और जो जोड़ों के ऊपर सूजन और दर्द महसूस हो रहा है वो दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं इलाज की। दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इलाज में और दोनों चीजें आपने दिन में दो बार इस्तेमाल करनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, गिलोय। गिलोय के अंदर ऐसी क्षमता है जो जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूती देती है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है या खून बहुत गाढ़ा हो चुका है जिसके कारण उनको हार्ट अटैक तक का खतरा आ चुका है, ये गिलोय उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा रहते हैं जिसके कारण आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल ग्लो नहीं है, स्किन बहुत डल रहती है, स्किन पर पिंपल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये गिलोय का सेवन उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ 2 चम्मच गिलोय का जूस लेना है, गिलोय का जूस लेना है 2 चम्मच। और दूसरी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 2 चम्मच एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं उन्हें दूर करने के लिए एलोवेरा बेस्ट है। एलोवेरा के अंदर 180 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर के अंदर वायु को टिकने नहीं देते, शरीर से रोज का रोज बाहर कर देते हैं। तो आपने 2 चम्मच ही एलोवेरा जूस लेना है और 2 चम्मच ही गिलोय का जूस लेना है। इसे आधे गिलास गुनगुने पानी के अंदर, अब गुनगुना करके तो पीना है, इसीलिए हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ा हुआ 2 चम्मच एलोवेरा जूस और 2 चम्मच गिलोय का जूस जब हम डालेंगे तो आप गर्म पानी में ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसे गुनगुने पानी के अंदर डालेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, फिर वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसीलिए गर्म गर्म पानी के अंदर दोनों चीजें डाल लेना ताकि वो गुनगुना रह जाए डालने के बाद। और इसे आपने सुबह खाली पेट पीना है, ऐसा ही आपने शाम को 3 से 4 बजे के बीच में पी लेना है। ऐसा करने से आपको क्या फायदे होंगे दोस्तों, इन दोनों चीजों का सेवन अगर आप 3 महीने रेगुलर कर लेते हैं तो जो आपके हाथ और पैरों के जोड़ मोटे मोटे हो चुके हैं, उनकी शेप थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो वो अपनी नॉर्मल शेप में आने लगेंगे। इसके अलावा अगर किसी इंसान के जोड़ों के कार्टिलेज घिस चुके हैं, जिन्हें कार्टिलेज कौन से होते हैं, एक सॉफ्ट कुशन की तरह होते हैं जिसे चिकनाहट कहा जाता है या लुब्रिकेंट कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, यानी कि जोड़ों के बीच का वो फ्लूइड सूख गया है जिसके कारण जोड़ आपस में टकराते हैं, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ होती है, तो ये चीज अगर आप 3 महीने फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी धूप निकले उस दिन आपने धूप जरूर सेकनी है ताकि आपको विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाए, ताकि जितना भी आप कैल्शियम लें वो आपके शरीर में खून को और हड्डियों को मिल सके। इसके लिए विटामिन डी का शरीर में होना बहुत जरूरी है और विटामिन डी ज्यादा अंदर आए शरीर के, इसके लिए आपने एलोवेरा जेल अपनी बॉडी पर लगाकर ही धूप को सेकना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी, आपके लिए फायदेमंद लगी, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।